एकाएक बिले के सिपाही आज भी अर्तुरुल की हिफाजत करते हुए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इन पामुकाले एंड नाउ गोइंग टू एस्कशेर। प्लान ये है कि विजिट सौद, अर्तुरुल गाजी की टूम पे हाजिरी देनी है। वेरी फैसिनेटेड, आई थिंक द लव फॉर टर्की स्टार्टेड व्हेन वी वॉच द सीजन, और बच्चों को और फैमिली को बहुत अच्छा लगा था, दैट्स व्हाई वी आर हियर। ये हमारा ब्रेकफास्ट एरिया है होटल का, और वेल वर्थ इट जो मैंने यहाँ बुकिंग वगैरह करवाई थी। ये सुबह का व्यू देखें, नाश्ता टेरेस में और सारा जो पामुकाले का व्यू आ रहा है हमें। वो लोग ऊपर भी जाना शुरू हो गए हैं। नहीं जी, सौद पहुंच गए हैं और यह अर्तुरुल के मज़ार पे हैं हम। तो देखता हूँ कहाँ से एंट्रेंस है। पार्किंग वगैरह का कोई मसला नहीं है, इतना बिजी टाउन नहीं लग रहा मुझे, और डेवलपमेंट भी ऐसी है कि यानी रश वगैरह नहीं है कोई आसपास, ऐसे कोई नफसी का कोई माहौल नहीं बना हुआ। और ये पता नहीं पीछे, इसके पीछे पहाड़ी पे काट काट के क्या कर रहे हैं, ये मार्बल है या कुछ डेवलपमेंट कर रहे हैं। ये अर्तुरुल 13 सेंचुरी के सरदार थे और उनका बेटा उस्मान जिसने ऑटोमन एम्पायर की बुनियाद रखी। हिस्ट्री के मुताबिक उस्मान ने ये अर्तुरुल गाजी की टूम बनाई थी, और यहाँ पे हाइमा हातून भी बरेड हैं और उनका बड़ा रोल है ऑटोमन एम्पायर की डेवलपमेंट में। अर्तुरुल की टूम से पहले मैंने देखा कि वो सिपाही खड़े हैं, और उनका गेटअप ऐसा कमाल था कि मैंने लगा कि ये कोई ड्रामे के एक्टर्स हैं जो अर्तुरुल में काम करते थे। टूम अंदर से काफ़ी जो है वो खूबसूरत है, और वहाँ पे ऐसे महसूस होता है कि बहुत बहुत रिस्पेक्ट की जा रही है अर्तुरुल की। और वैसे मैंने जितनी रिसर्च की इंटरनेट पे, हिस्ट्री जो अर्तुरुल की एग्जैक्ट है वो थोड़ी अननोन है, लेकिन आई एम श्योर वो जो टर्किश रिसर्चर्स ने रिसर्च करके की है तो वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन मुझे उस तरह नहीं मिलती जो हमने अर्तुरुल ड्रामे में देखा या मतलब सुना। जी सुवेनियर शॉप्स, वो टेंट्स में पता नहीं क्या है, लेकिन ये सुवेनियर शॉप्स हैं यहाँ पे जो हैं वो मशहूर। एक्सेस भी मिलती हैं और सॉर्ड्स भी हैं उस साइड पे बहुत ज़्यादा, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, डिफरेंट हैं। ऑब्वियसली वो थोड़ा सा जो हिस्ट्री से इंस्पायर्ड हैं, उस तरह के हैंडीक्राफ्ट्स और उसी तरह की मतलब डेकोर आइटम्स पड़ी हुई हैं अंदर। ये गार्ड्स चेंज हो रहे हैं और अब हम निकलने लगे हैं ऑटोमन विलेज के लिए, जो बुरसा में परफेक्टली प्रिजर्व्ड है। 1300 सेंचुरी का विलेज। ये हम आगे हैं ओल्ड विलेज बुरसा के साथ, जो ऑटोमन विलेज है और उसी तरह प्रिजर्व किया हुआ है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो अभी एंटर हो रहे हैं। ऑटो पार्क में गाड़ी लगा दी थी, ये लोग आगे तक लेके जा रहे हैं। वन वे है तो मैंने कहा मैं पहले ही पार्क कर दूँ। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और यहाँ पे चेंजेस करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। लोगों ने जो जिनकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको उसी तरह प्रिजर्व किया हुआ है, बल्कि बिज़नेस में बनाया हुआ है कि लोगों के घर भी हैं और वहाँ पे बिज़नेस है, जहाँ पे ये लोकल प्रोडक्ट्स और पुराने ज़माने की जो चीज़ें हैं उनको बेच भी रहे हैं, बना भी रहे हैं। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन वो ये है कि जितनी पॉपुलर चीज़ होगी बट स्टिल यू कैन नॉट डिमोलिश इट एंड यू कैन नॉट कंस्ट्रक्ट न्यू कंस्ट्रक्शन हेयर, विच इज़ ग्रेट। ये देखें मैं विंडोज स्टाइल जिस तरह आर्किटेक्चर है, और उन्होंने उसी को उसी तरह ही प्रिजर्व किया हुआ, ऐसे लग रहा है कि दोबारा से रिस्टोर किया हुआ है, विच इज़ ग्रेट टू सी। यहाँ पे भाई हिस्ट्री और कल्चर को बहुत प्रिजर्व करते हैं, मेरा ख्याल हर जगह ही करते हैं, सवाए अब मैं क्या बोलूँ। वेल प्रिजर्व्ड, और ये ऐसे ही लग रहा है जिस तरह नॉर्थ एरिया में भी हमारा टाउन हो, या नॉर्थ एरिया में जिस तरह हमारी कंस्ट्रक्शन होती है, स्टोन वर्क बहुत ज़्यादा है, उसके बाद ज़मीन भी पत्थरों की होती है। ये लोग आई थिंक, आई डोंट नो, इनके अपने घर हैं कि दुकानें, इस तरह ही लग रहा है जैसे अपने घर हैं और वहीं शॉप्स उन्होंने कंस्ट्रक्ट की हुई हैं, तो होटल भी हो सकते हैं। सो ये तो देख के पता चलेगा, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा वो कल्चरल और ऑथेंटिक फील आ रही है, जैसे पुराने ज़माने की। आई थिंक उन्होंने हर चीज़ को उसी तरह ही प्रिजर्व किया हुआ है और उसको उसी तरह सेल कर रहे हैं। ये कैफ़े है,
बहुत पुराना लग रहा है। सो लोगों के ये घर हैं, कई लोग घरों पे रह रहे हैं और अब टॉयज़ बेच रहे हैं, शरबत बेच रहे हैं, जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं। तो ये हर एक ने आगे फ्रंट रूम में कहने की शॉप भी बनाई हुई है अपनी, और ये इनके प्राइवेट क्वार्टर्स भी हैं, ऊपर जाके रूम्स वगैरह भी हैं। तो इट्स प्रिटी यू नो अमेजिंग एक्सपीरियंस के आप एक इतनी ओल्ड हिस्ट्री में रहते भी हैं और उसको प्रमोट भी करते हैं। आई थिंक लोग यहाँ बहुत पिक्चर्स और वीडियोस बना रहे हैं, तो आई थिंक ये एक वन ऑफ द इंस्टाग्रामेबल प्लेस है, और ये आप ड्रेसअप कर सकते हैं और अपनी पिक्चर्स वगैरह बना सकते हैं। उस टाइम के दौर के कॉस्ट्यूम्स पड़े हुए, एक फैमिली के लिए तो मज़े की एक्टिविटी है जो करना चाहे। अ लॉट ऑफ ट्रेडिशनल आइटम्स, हैंडीक्राफ्ट, और हर जगह लोग जो है ना अपनी पिक्चर्स बना रहे। अभी हमें एक बंदे ने नाप लिया था, उसने फ्री कॉफ़ी दे के हमें अंदर बुला लिया और अपनी चीज़ें दिखाता रहा, ऑयल्स दिखाए हैं, तस्वीर मुझे नहीं लेने दी लेकिन मेरी तस्वीरें ले ली, मेरे कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह भी। तो उसके फादर की शॉप थी और अब वो चला रहा है, सारी ट्रेडिशनल साबुन, स्क्रब्स, ऑलिव ऑयल की और उनकी जो जड़ी बूटियाँ हर्ब्स उनकी बनाए। तो हमने फिर एंड पे उसे जान छुड़ाने के लिए स्क्रब लेना ही पड़ा क्रीम के साथ, और एक और मसाजिंग क्रीम जो पेन के लिए होती है। तो ये अंदर ना घुसें क्योंकि आपका खर्चा फिर ज़रूर होगा। ये देखें आप, पूरा एक ट्रेडिशनल हाउस है, ये इन्होंने उसी तरह डेकोर रखा हुआ है उसका। जगह शरबत दे रहे हैं क्रैम शहतूत का और अपने बेरीज का, बहुत मज़े का ठंडा। तो इतनी गर्मी में मज़ा आ रहा है ये पीने का तो ज़रूर। और अब यहाँ से हम निकलने लगे हैं इस्तांबुल की तरफ, और इस्तांबुल पहुँच के, और जैसे यहाँ पे एक से बढ़कर एक मॉस्क है, तो यानी मॉस्क भी रात को इतनी खूबसूरत लगती है कि ब्लू मॉस्क को भी टक्कर देने लग जाती है। इस्कंदर इज़ द बेस्ट विद द सक्युलेंट मीट, और उसके साथ जो बटर सॉस है और टोमेटो सॉस के साथ मिक्स होके वो बहुत मज़े की लगती है, और नान उसके नीचे। सो ये मेरी एक फेवरेट डिश है, स्पाइसी बिल्कुल नहीं है लेकिन इसका एक अपना मज़ा है।